पिछले लेक्चर में हमने देखा कि क्रिप्टोग्राफी किस प्रकार से उपयोगी साबित होती है और साथ ही साथ उसको अगर हमें सुरक्षित रूप से प्रयोग करना है तो की साइज कितने बड़े होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। इस लेक्चर में अब हम कुछ उदाहरण लेंगे इसके, और जो पहले कुछ उदाहरण हम लेंगे वो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी से आते हैं। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी जब कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा था क्रिप्टोग्राफी में, तो तब तक जो तरीके थे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, उसको क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी माना जाता है। तो ये सन लगभग 1970 तक प्रयोग में हुई है। सबसे पहला उदाहरण जो इतिहास में आता है क्रिप्टोग्राफी के प्रयोग का, वो है सीजर साइफर। बहुत ही सिंपल तरीका है ये कि कोई भी मैसेज आपको दिया है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज M, उसका एक अक्षर दीजिए और उस अक्षर को वर्णमाला में तीन लेक्चर, तीन आगे वाले अक्षर से रिप्लेस कर दीजिए और ये सारे अक्षरों के साथ मैसेज में करिए। जैसे एक इंग्लिश में उदाहरण लें तो यदि मैसेज है क्रिप्टोग्राफी, दैट इज प्लेन टेक्स्ट है ये शब्द क्रिप्टोग्राफी, तो इस पे सीजर साइफर हम का इंक्रिप्शन हम जब प्रयोग करेंगे तो सी जो है DEF बन जाएगा, आर STU बन जाएगा, PQR Y है, Y तीसरा अक्षर है, तो Y Z, Z के आगे तो कोई अक्षर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले अक्षर पे वापस आ जाएंगे A, और फिर तीसरा है B, तो YB बन जाएगा। इस प्रकार से सारे अक्षर बन जाएंगे और आप देख सकते हैं कि इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकलता है अगर आप जस्ट सीधे पढ़ें। तो थोड़ा अनजान व्यक्ति को जो इसको ये मैसेज मिलेगा साइफर टेक्स्ट, तो उसको पढ़ के उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सीजर साइफर 2000 से भी अधिक वर्षों पूर्व यूज होता था। इसका नाम जैसे सीजर है तो ये रोम के राजा ऑगस्टस सीजर द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस बहुत ही, जैसे मैंने कहा, सिंपल है ये। लेकिन यदि ईला को क्या इंक्रिप्शन मेथड का प्रयोग किया गया है यदि यह मालूम है, तो ईला के लिए इसको डिकोड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो तीन अक्षरों से सब सारे अक्षरों को तीन से पहले कर लेगी, F को तीन, पहले का C है और इसी तरह बाकी सारे अक्षरों को। तो इसकी सुरक्षा सीजर साइफर की तभी तक रहती है जब तक कि किसी को यह पता न चले कि इसमें इंक्रिप्शन मेथड का प्रयोग हुआ है और किस इंक्रिप्शन मेथड का प्रयोग हुआ है। जैसे ही उसको इंक्रिप्शन मेथड का ज्ञान होता है तो उसके लिए डिक्रिप्शन बहुत ही आसान हो जाता है। और ये इस समय तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि
इनक्रिप्शन मेथड, डिक्रिप्शन मेथड हम छुपा के रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय पश्चात कहीं से कुछ लीक हो जाएगा, किसी को, अन्य व्यक्ति को पता चलेगा, उससे और को पता चलेगा, धीरे धीरे सब जगह फैल जाएगा कि अच्छा ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड प्रयोग हो रहा है। इसीलिए कीज़ का आविष्कार किया गया कि भाई इनक्रिप्शन मेथड डिक्रिप्शन मेथड तो वही रहेंगे, मान लेते हैं सबको माल पता रहेंगे, लेकिन कीज़ हम बदलते रहेंगे जिससे कि कीज़ का की जानकारी न होने पाए। तो इसमें तो कोई की है ही नहीं, सब कुछ फिक्स है। तो एक तरीके की हम बना सकते हैं कि तीन से शिफ्ट करने के बजाय हम कुछ अन्य नंबर से शिफ्ट कर दें। तो की को हम ले लें, किस नंबर से कितनी जगहों तक शिफ्ट करना है। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं अगर अल्फ़ाबेट में, तो की का साइज 1 से 26 हो सकता है, उससे अधिक की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो कुल इनक्रिप्शन की 26 वैल्यू हैं, डिक्रिप्शन की भी 26 वैल्यू हैं। और जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर की संख्या ज़्यादा नहीं है तो उसको धीरे एक एक करके गैस किया जा सकता है और आसानी से डिक्रिप्शन किया जा सकता है। इसलिए इसमें की रखने से भी इस मेथड का प्रयोग करने में कोई विशेष सुरक्षा आज के समय पे नहीं मिलेगी। ये तभी तक सुरक्षित है जब तक इनक्रिप्शन मेथड को छुपा के रखा जाए। लेकिन ये जो आइडिया है कि एक किसी भी अक्षर को किसी अन्य अक्षर से बदल दिया जाए, इसको हम अन्य स्तर पे जाके देखें तो एक प्रश्न आता है कि भाई एक अक्षर को तीसरे अक्षर से या चौथे से या छठे से ही क्यों करें, एक अक्षर को किसी भी अन्य अक्षर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरे अक्षर को, जैसे ए को हमने रिप्लेस कर दिया वाई से, बी को रिप्लेस कर दिया पी से, सी को रिप्लेस कर दिया डी से, तो कोई भी अक्षर हम चुन सकते हैं किसी भी अक्षर को रिप्लेस करने के लिए। हाँ, इसका बस ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी दो अक्षरों को एक ही अक्षर से रिप्लेस ना करें, क्योंकि यदि हम ए और बी दोनों को पी से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर जब पी हम देखेंगे उसको डिकोड करने में ये नहीं पता चलेगा कि पी को वापस ए से पी की जगह वापस ए लिखा जाए या बी लिखा जाए। इसलिए ये आवश्यक है कि एक अक्षर को किसी भी अन्य अक्षर से बदल दिया जा सकता है, लेकिन दो अक्षरों को के लिए जो रिप्लेसमेंट अक्षर हैं वो अलग अलग होने चाहिए। और जब इस मेथड का प्रयोग करते हैं तो इसको नाम दिया गया है सब्स्टिट्यूशन साइफर का, और इसके लिए की जो है KE इंक्रिप्शन की करती है कि सारे इनपुट अक्षर हैं ए से जेड तक, अगर जब हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो उसको किसी भी अक्षर को किसी एक अन्य अक्षर से रिप्लेस किया जाए। तो KE जो है ये एक मैपिंग के रूप में देख सकते हैं हम कि उसको एक इनपुट अक्षर होगा और उसका एक आउटपुट अक्षर होगा, और ये मैपिंग एक परमुटेशन है। परमुटेशन होने का तात्पर्य यह है कि भाई दो इनपुट अक्षरों को दो अलग आउटपुट अक्षरों में मैप करना आवश्यक है। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जब हम ये तरीका प्रयोग करते हैं इस प्रकार से होगा कि अगर मैसेज आपका प्लेन टेक्स्ट n अक्षरों का बना हुआ है L1, L2 से LN तक, तो L1 को हम KE L1 से रिप्लेस कर रहे हैं। KE क्योंकि मैपिंग है तो उसका इनपुट अक्षर L1 है और एक आउटपुट अक्षर होगा इस मैपिंग के अनुसार। इसी प्रकार से L2 को KE L2 से और LN को KE LN से हम रिप्लेस करते हैं, और ये हमारा साइफर टेक्स्ट हो जाता है। डिक्रिप्शन की इसका एकदम उल्टी होगी कि KE L1 एक अक्षर है, इसको L1 से रिप्लेस करें, वो डिक्रिप्शन होगा। तो डिक्रिप्शन इनवर्स मैपिंग हुआ इंक्रिप्शन की का, और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम K
कि समान ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन साइफर को प्रयोग करते हैं तो कितनी कीज की संभावना है, इंक्रिप्शन कीज की, किसी भी, जब फिर जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, ए को 26 अक्षरों में किसी भी अक्षर से मैपिंग की जा सकती है। उसके बाद बी की 26 किसी भी 26 अक्षरों में मैप नहीं कर सकते क्योंकि ए की मैपिंग हो चुकी है किसी एक अक्षर से, तो 25 अन्य अक्षरों में किसी भी अक्षर से बी की मैपिंग हो सकती है। तो बी को 25 प्रकार से किया जा सकता है मैप। सी को इसी के अनुसार 24 तरीके से मैपिंग किया जा सकता है। डी की 23 तरीके से की जा सकती है। और कुल मैपिंग की संख्या, ए की मैपिंग जितने प्रकार से की जा सकती है उसको गुणा करेंगे, बी की कितने प्रकार से की जा सकती है उसको गुणा करेंगे, सी की कितने प्रकार से की जा सकती है, तो इसका कुल योग आता है 26 फैक्टोरियल। 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 22 गुणा 21, आप इसी प्रकार से गुणा करते जाएंगे 2 1 तक। और अगर हम इसको 26 फैक्टोरियल को 10 के एक्सपोनेंट, 10 की पावर के रूप में लिखें तो लगभग ये 10 की 26वीं पावर होता है, और अगर 2 की पावर से लिखें तो 2 की ये लगभग 85-86 पावर होती है। तो इतनी बिट्स चाहिए होंगी उसको इस प्रकार की को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। हमने पिछली बार देखा था कि 2 की एक 128 बिट की होनी चाहिए तब अच्छे प्रकार से सुरक्षित रहेगी। तो ये इसमें 128 बिट नहीं है, करीब 85 से 90 बिट्स के बीच में की का साइज है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा है एक प्रकार से। तो जब सब्स्टिट्यूशन साइफर का आविष्कार हुआ, सीधर साइफर से ही ये काफ़ी संबंधित है, उसके बाद ये एक अच्छी लोगों को काफ़ी लगा और इसका काफ़ी समय तक प्रयोग हुआ। फिर एक समय ऐसा आया जब सब्स्टिट्यूशन साइफर भी कमज़ोर साबित हो गया, और उसका तोड़ने का तरीका था फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एक तरीका है जिसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन साइफर को डिकोड किया जा सकता है आराम से, और इसका जो बेसिस है वो ये है कि अगर हम इंग्लिश वर्णमाला को देखें तो सारे अक्षर, अगर कोई भी हम इंग्लिश का टेक्स्ट लेते हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ लेते हैं या कई सारे पैराग्राफ, तो उसमें हम गिने कि ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, सी कितनी, हर एक अक्षर कितनी बार आए हैं, तो उनकी संख्या बराबर नहीं होती, काफ़ी अंतर होता है उसकी संख्या। और ये तो हम सब जानते हैं, जैसे कि जेड अक्षर जो है बहुत कम प्रयोग में आता है, वॉवल्स जो हैं ए आई ओ यू ये कहीं अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये जो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या अलग अलग होती है टेक्स्ट में, इसका प्रयोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में होता है। अब फिर इंग्लिश की जब हम बात करें तो ये स्टडीज करके ये निष्कर्ष निकला है कि कोई भी हम बड़ा इंग्लिश टेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए कि 200-300 शब्दों का, तो उसमें ई जो शब्द है, ई अक्षर जो है वो लगभग लगभग 13% बार आता है। मतलब अगर 100 हम अक्षर देखेंगे तो उसमें 13 बार लगभग ई होगा। उसके बाद टी आता है जो लगभग 9% बार आता है, ए लगभग 8% बार आता है, फिर ओ करीब 7.5%, आई करीब 7%, और इसी प्रकार से सारे अक्षरों की फ्रीक्वेंसी कितने प्रतिशत बार आते हैं वो निकाला जा सकता है। जैसे देख रहे हैं जेड जो है केवल
1/10% बार आता है, मतलब 1000 अक्षरों में एक बार लगभग जेड पाया जाएगा। तो इतना अंतर आप देख सकते हैं कि ई एक तरफ और जेड एक तरफ, दोनों में बहुत अंतर है कितनी बार होता है। तो इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए उदाहरण लेते हैं। एक इंग्लिश का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसको अगर एक निगाह इस पे मारें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, क्या कहना चाहता है। और इस पे हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे ये मान के कि ये सब्स्टिट्यूशन साइफर का प्रयोग हुआ है इसको कोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम सारे अक्षरों की गिनती करेंगे, कितनी बार हुए आए हैं ये अक्षर। टोटल 445 अक्षर हैं इसमें, और इनकी जब गिनती करेंगे और उसके प्रतिशत निकालेंगे कि कितने प्रतिशत बार कौन सा अक्षर आया, तो उस इस प्रकार से कुछ मिलता है कि W जो है वो करीब 12% बार आया, X करीब 10%, Z करीब 8.5% है, इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये चार अक्षर तो है ही नहीं इस टेक्स्ट में। तो क्योंकि W सबसे अधिक बार आया है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल में जाएं जो कि इंग्लिश वर्णमाला की है, तो उसमें सबसे अधिक बार ई आता है, उसके बाद टी आता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जहां भी W है वो वास्तव में ई का रूपांतरण है, और जहां भी X है वो टी का रूपांतरण है। तो ये जब हम इस मान को चलते हैं ये कि भाई W की जगह E होना चाहिए और X की जगह T होना चाहिए, और इस साइफर टेक्स्ट में हम उस वो अंतर वो बदलाव लेके आते हैं। तो जब भी आप देख रहे हैं लाल अक्षर हैं वो जहाँ पे E और T ये आपको मिलेंगे जो हम बदलाव लेके आए हैं, और साथ ही साथ इसको जब बदलाव आ जाता है तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि अन्य अक्षर क्या संभावना हो सकती है उनके होने की। जैसे कि अगर आप ये शब्द देखें, ये APA पहले तीन अक्षर तो हमें मालूम नहीं क्या है, लेकिन उसके बाद के अक्षर TEE और अंत वाला अक्षर भी नहीं मालूम। तो TEE अगर आप इंग्लिश के शब्द देखें तो बहुत अधिक संभावना है कि TEE के बाद N आएगा। और अगर अगर हम इस यहाँ पे जाएं इसके, तो X W W Z है ये, और Z की भी फ्रीक्वेंसी काफी अधिक है यहाँ पे 8.5%। तो ये हम मैपिंग एक कर सकते हैं जिसको कि हमने नारंगी रंग से दिखाया है कि संभावना यही है कि ये जो जेड था यहाँ पे वो एन का रूपांतरण है। और अब जब हम इसको डाल के देखेंगे, हालांकि हम 100% निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन यदि हम जब इसको डाल के देखेंगे और आप देखें जितने भी अन्य शब्द खुल के आए हैं उसके कुछ हिस्से खुल के आए हैं, टीन यहाँ भी टीन है, ENT है, NE वगैरह, तो आप कहीं हर जगह यहाँ भी EEN है, तो ये लगता है कि ये शायद ठीक है। तो ये मान के चलते हैं फिर कि ये ठीक है, तो N को हम फ्रीज कर देते हैं कि ये, तो उसको नारंगी के बजाय लाल रंग अगले स्लाइड में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगला बहुत सिंपल है, इसमें केवल एक ही अक्षर का शब्द है। तो एक अक्षर के शब्द बहुत कम है अंग्रेजी में, ए है, आई है, और इसके अलावा शायद एक अक्षर के शब्द और कोई नहीं मिलेंगे।
तो इसमें फिर एक हम अंदाज लगाएंगे कि ये ए है, और जहाँ भी उसके पहले वो अगर देखें तो वो टी था अक्षर, जो साइफर टेक्स्ट में है, तो साइफर टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट में मानेंगे कि ये अक्षर ए है, और उसको अब नारंगी रंग से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और फिर एक बार पूरे इस वाक्य को देखेंगे कि हर जगह जहाँ भी ए आया है वो कुछ कहीं कुछ गड़बड़ शब्द तो नहीं बन रहा, और उसका कहीं दिखता नहीं है, अभी भी लग रहा है कि ठीक ही बन रहा है। तो इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, और इसके बाद ए को लाल रंग से हम दर्शाएंगे। इसको और आगे बढ़ते हैं, और यहां देखें ये दो शब्द ए पी ए, तो पहले इस शब्द में पहला और तीसरा अक्षर एक ही है, और इसमें पहला अक्षर वही है जो इसमें है, और अन्य तीन अक्षर हैं। तो इंग्लिश के शब्दावली में अब हम सोच सकते हैं कि भाई किस क्या शब्द होगा जो TEEN से का अंत होता है, और ये दोनों काफी सिमिलर हैं, एक दूसरे से संबंधित अक्षर हैं। तो एक ध्यान में फौरन आएगा, क्योंकि ये इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर बराबर है, कि ये कुछ संख्या को दर्शाता है, कि ये 15 और ये 14। अगर हम ये मान लेंगे तो ये दोनों का हम ठीक से रूपांतरण कर सकते हैं। एक बार रूपांतरण करके उसके बाद फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं जहां भी, जैसे FOUR है ARUV का, तो जहां भी अन्य जगह हम रूपांतरण करते हैं उसकी वजह से कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो रही। अच्छा, उससे पहले वो अगली बार हम करेंगे, इससे पहले हमने यहाँ पे एक और किया है रूपांतरण, वो I का। अच्छा, उसमें दो स्टेप्स में किया है, P को I से रिप्लेस किया है। और उसके बाद F, तो FOUR, तो दोनों को मिला सकते हैं, और FOUR को इसमें, और I को भी, FI ऑफ कोर्स। तो FOUR और I, ये पांच अक्षर हम पूरे प्रकार से रूपांतरित कर देंगे। और फिर रूपांतरण के बाद अब फिर से एक बार साइफर टेक्स्ट को देखते हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये जहाँ भी हर शब्द जो बन रहा है वो ठीक बन रहा है, इसमें कहीं कोई शब्द की बनाई में फोर हो बन गया, यूनियन हो गया, तो हर जगह ठीक शब्द बन के उभर के आ रहे हैं। तो इसका ये तात्पर्य है कि जो हम रूपांतरण कर रहे हैं ये ठीक चल रहा है। अब इसके बाद तो अब बहुत आसान हो जाता है, जैसे ये पहला शब्द देखें तो इसमें IN और फिर अक्षर I है जिसका रूपांतरण अभी करना है, और फिर I ये है, तो इससे संभावना इसकी है कि ये इंडिया का रूपांतरण है, तो वो हम उसका उपयोग करते हैं इंडिया। और फिर D को रिप्लेस करके देखते हैं कि हर जगह ठीक आ रहा है। इसी प्रकार H को भी हमने यहाँ पे किया है TYAN, तो Y जहाँ भी है उसको H मान के चलें, देन थाउ, और हर जगह जहाँ भी Y है वहाँ पे देख सकते हैं हम कि जहाँ हम उसको वाई को एच से जहाँ भी सब्सिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो शब्द जो है वो ठीक बन रहा है। तो ये दोनों का हम बदलाव लाएंगे, डी और एच का, और देखते हैं जहाँ भी ये सारे अक्षर जो हैं, सारे शब्द जो हैं वो ठीक से निकल के आ रहे हैं। तो अब हम ये इतना
अधिक हमने रूपांतरण कर लिया है कि अब बाकी अक्षरों का तो बहुत ही आसान हो गया है. इंडिया रिकॉर्डेड लेस देन 15,000 केसेस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज फॉर 2 days इन ए रो एज 14,000 वगैरह वगैरह. तो वो हम सारे रूपांतरण लेके आएंगे और सब देख सकते हैं कि एकदम ठीक चल रहा है. और फिर पूरा तरीके से रूपांतरण ये साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट में ये हो गया है. साथ ही साथ हमारे सब्स्टिट्यूशन साइफर की टेबल भी मिल गई है, तो जिससे कि डिक्रिप्शन की भी हमारे हाथ में. अब जो अंत के चार अक्षर क्योंकि है ही नहीं इस प्लेन टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट में, तो उनका रूपांतरण करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है. इस प्रकार से साइफर टेक्स्ट से बिना एन्क्रिप्शन की के जानकारी के हम प्लेन टेक्स्ट निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा. तो ये एक विधा है जो कि बहुत उपयोगी है. जहाँ भी सब्स्टिट्यूशन साइफर का प्रयोग है वहाँ पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं उसको डिकोड करने के लिए. तो जब सब्स्टिट्यूशन साइफर कमज़ोर साबित हुए तो प्रयास हुआ कि कुछ अन्य साइफर निकाले जाएं, और किसी एक अक्षर को दूसरे अक्षर से बदलाव से फ़ायदा नहीं दिखा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन साइफर से कोई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से उसको डिकोडिंग हो जा रही. तब निकाले गए परम्यूटेशन साइफर. इसमें क्या करते हैं कि इसमें शब्द अक्षरों को बदलते नहीं, अक्षरों को वैसा का वैसा ही रखते हैं, लेकिन अक्षरों की लोकेशन बदल दी जाती है. इसमें एक परम्यूटेशन के इंक्रिप्शन की फिर परम्यूटेशन है, लेकिन ये संख्या एक से लेके बी तक है और उसका परम्यूटेशन एक से बी तक है. और इसमें जो हम साइफर टेक्स्ट लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट लेते हैं L1 से LBN तक, तो B साइज के हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं. L1 से LB तक, LB+1 से L2B तक, इस प्रकार से. क्योंकि ये BN अक्षर हैं इसमें, तो बी ग्रुप बी एक ग्रुप में बी अक्षर होंगे तो टोटल एन ग्रुप्स बनेंगे इसमें. और हर एक ग्रुप में इस इंक्रिप्शन की का प्रयोग करके हम जो बी अक्षर हैं उनकी जगह बदल देंगे. पहला अक्षर होगा वह L1 से LB में जो L ऑफ KE ऑफ 1 है, मतलब KE1 इंक्रिप्शन की जो है वो पहले नंबर नंबर एक को जिस भी नंबर में बदलती है तो वो वाला उस संख्या वाला अक्षर लेके वो पहला अक्षर बना दिया जाएगा. दूसरा अक्षर बनेगा KE2, तीसरा अक्षर बनेगा KE3. तो इस प्रकार से पहले बी अक्षर इंक्रिप्शन की द्वारा शफल की इसको परम्यूट कर दिए जाएंगे, जंबल कर दिए जाएंगे. उसी प्रकार से जो दूसरा ग्रुप है उसमें एग्जैक्टली इसी प्रकार से अक्षर अपनी जगह से हरा दिए जाएंगे. तीसरे ग्रुप में भी उसी प्रकार से होगा कि सारे एन ग्रुप्स में एक एक करके इसी प्रकार से बदलाव होंगे. इसमें भी हम देख सकते हैं कि डिक्रिप्शन की जो है वो इन्वर्स होगी इंक्रिप्शन की, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं अपनी जगह से दूसरी जगह रखा गया है वो वापस अपनी जगह रख दिया जाए, तो वो इन्वर्स हो जाता है. और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम ही है. तो परम्यूटेशन साइफर एक ब्लॉक्स में, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में काम करता है. एक जितना भी प्लेन टेक्स्ट है उसको ब्लॉक्स में हम ग्रुप करते हैं, और हर एक ब्लॉक में इंक्रिप्शन उसी प्रकार से होता है. इसकी कीज जितनी इंक्रिप्शन की संख्या है वो बी फैक्टोरियल है. तो बी की तो अगर हम 20-30 संख्या लेते हैं तो बी फैक्टोरियल एक बड़ा नंबर हो जाता है. तो इंक्रिप्शन की को
गेस कर पाना, अंदाज लगा ले पाना आसान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन साइफर की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा सुरक्षा कमजोरी निकाली गई थी, लगभग लगभग उसी प्रकार से परम्यूटेशन साइफर की भी एक अन्य प्रकार की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के द्वारा कमजोरी निकाली जाती है। इसमें फ्रीक्वेंसी जो हम देखते हैं वो एक अक्षर की नहीं देखते, दो अक्षरों के ग्रुप की देखते हैं। तो फिर जब हम इंग्लिश टेक्स्ट की बात करेंगे तो कुछ अक्षरों के ग्रुप अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जैसे कि IN, AN, ये ग्रुप, ये दो अक्षरों के ग्रुप काफ़ी बार दिखेंगे, जबकि YZ का जो दो अक्षरों का ग्रुप है वो शायद ही कभी दिखे। तो इस प्रकार से इस फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस के द्वारा अक्षर ग्रुप ऑफ अक्षरों की हम सब परम्यूटेशन साइफर को भी तोड़ सकते हैं। ये मैं इसका उदाहरण दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये जो बस यही है कि ये पाया गया कि परम्यूटेशन साइफर भी कमजोर साबित हुआ। तो अगली फिर लोगों का प्रयास हुआ कि चलो सब्स्टिट्यूशन साइफर कमजोर है, परम्यूटेशन साइफर भी कमजोर है, तो क्यों ना इन दोनों को मिला के इसका प्रयोग किया जाए। और उसका एक उदाहरण World War II में एनिग्मा साइफर था। ये जर्मन साइड ने इसका प्रयोग किया और ये परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन साइफर का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन था। कभी कुछ जगह परम्यूटेशन साइफर यूज़ किया, फिर सब्स्टिट्यूशन साइफर का प्रयोग हुआ। और ये जो पूरा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम था वो एक एनिग्मा मशीन बनाई गई, जो कि एक मैकेनिकली ऑपरेटेड मशीन थी। उसमें मैकेनिकल उसके पार्ट इस प्रकार से रखे गए कि उसको जब मशीन को चलाया जाता था तो इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन उसके द्वारा हो जाता था। और ये मशीन क्योंकि इतनी अधिक महत्वपूर्ण थी तो उसको बहुत ही सुरक्षित रखा जाता था कि इसको कभी भी दुश्मन के हाथ में ना पड़ने दिया जाए। लेकिन अंत में एक मशीन एनिग्मा की दूसरे पक्ष में इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट के पास पहुंचाई गई और उन्होंने एनिग्मा कोड को ब्रेक किया और उसके द्वारा बहुत अधिक लाभ हुआ दूसरे पक्ष को, जर्मन्स को हराने। तो ये जो हमने उदाहरण देखे, विशेष रूप से एनिग्मा का, कि उसमें उन्होंने एल्गोरिदम को भी छुपा के रखने का प्रयास किया, क्योंकि बिना एल्गोरिदम को छुपाए हुए एल्गोरिदम वो उनका एनक्रिप्शन कमजोर था। बहुत अधिक प्रयास के, बहुत अधिक सुरक्षा के बावजूद दूसरे पक्ष को, जो कि हम इला के को कह रहे हैं, जो अनुभव और ब्रज के बीच में जो बात हो रही है वो इला जानने का प्रयास कर रही है, तो इला को अंततः पता चल ही गया। तो पहला जो हम लेसन इससे निकाल रहे हैं वो ये कि अगर कोई चीज़ बदल नहीं रही है, कोई भी एल्गोरिदम बदल नहीं रहा है या अन्य चीज़ की नहीं बदल रही है, कुछ भी चीज़ नहीं बदल रही, तो कभी ना कभी वो दूसरे पक्ष को पता चल जाएगी, देर सवेर वो लीक होगा। तो अगर हमें इनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस प्रकार का चाहिए कि वो कभी भी तोड़ा ना जा सके, उसको डिकोड ना किया जा सके, तो ये हमें मान के चलना होगा कि एल्गोरिदम, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम दूसरे पक्ष को मालूम है, सबको मालूम है, केवल कीज नहीं, कीज की जानकारी नहीं। दूसरा,
ये सब्स्टिट्यूशन साइफर परम्यूटेशन साइफर को मिला के भी करने से एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम स्ट्रांग नहीं बन पाता है, तो इसके लिए हमें कुछ अन्य प्रयास अन्य तकनीक को अपनाना होगा। और अंततः कि कैसे हम ये निकालें कि ऐसा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो कि इतना मजबूत हो कि हीला के विभिन्न प्रयासों के बाद भी वो सुरक्षित बना रहे, तो इसके लिए थोड़ा विस्तार में जाके समझना होगा। पहले तो उसको आविष्कार करना होगा एल्गोरिदम का, और फिर उसकी एनालिसिस करनी होगी जिससे कि ये हम स्पष्ट कर सकें कि ये बहुत ही सुरक्षित एल्गोरिदम है। तो ये जो प्रयास हैं ये आवश्यक हैं सिंपल कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा, अधिक सुरक्षा नहीं मिलती। तो इस तीन तीन जो हमारे मुख्य लेसन हैं इनको ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर से हम प्रारंभ करेंगे डिस्कशन मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी का कि 1970 के बाद कंप्यूटर्स का प्रयोग करके जो एल्गोरिदम बनाए गए वो कितने सुरक्षित रहे।